पाकिस्तान ने ईरान पर जवाबी हमला कर दिया है, ये खबर इस वक्त छाई हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम देश हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर हमला क्यों कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए हैं। पाकिस्तान और ईरान दोनों ही मुस्लिम एकता की दुहाई देते हैं, इस्लामिक एकता का दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं, और उसके बावजूद दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये सवाल सबके जहन में है। ये मैं आपको बताऊंगी कि कारण क्या है कि दो मुस्लिम देश आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं और पूरी दुनिया इस वक्त इसका तमाशा देख रही है। आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी इन्होंने इस्लामिक एकता की दुहाई दी थी। दरअसल मंगलवार रात को ईरान पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता है और पाकिस्तान कहता है कि ये हमारी संप्रभुता से हमला है और इसका जवाब हम देंगे, और जवाब दे दिया गया। अब तो पाकिस्तानी मीडिया में तो ये खबर चल रही थी, लेकिन इसकी पुष्टि भी पाकिस्तान की तरफ से की गई है कि हाँ, उसने हमला किया है, लेकिन ईरान के आतंकी ठिकानों पर किया है। अब ये आतंकी कनेक्शन क्या है? ईरान पाकिस्तान पर हमला करता है और कहता है कि हमने आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, जैश अल असद नाम के आतंकी संगठन पर हमने हमला किया है, जिसमें पाकिस्तान कहता है कि दो बच्चे भी मारे गए हैं, और अब पाकिस्तान कह रहा है कि उसने ईरान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है जो आतंकी बेस थे, जिसमें बलूच लिबरेशन फोर्स, बलूच लिबरेशन आर्मी का नाम सामने आ रहा है। अब थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बताती हूँ। बलूचिस्तान आपको पता है कि पाकिस्तान में बलूच लोग रहते हैं, लेकिन ईरान में एक इलाका है सिस्तान, जहाँ पर भी बलूच लोग रहते हैं, और ऐसे में जो बलूच समुदाय है वो कहता है कि सिस्तान और बलूचिस्तान दोनों को मिला दिया जाए, एक आज़ाद देश की मांग वो करते आए हैं। लेकिन जो बलूच लोग ईरान में रहते हैं, दरअसल ईरान शिया मुल्क देश है, तो बलूच लोग कहते हैं कि वहाँ पर उनके साथ नाइंसाफी होती है, उनको परेशान किया जाता है, उनका उत्पीड़न होता है, लंबे समय से ये सब हो रहा है। ऐसे में वो ईरान के खिलाफ रहते हैं, वहाँ की सरकार के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि ईरान तो शिया बहुल है, लेकिन ये सुन्नी संगठन है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी वो भी पाकिस्तान के खिलाफ रहते हैं, और ये टकराव जो है ये बलूच समुदाय को लेकर के है। अब जो ईरान में पिछले महीने आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पुलिस स्टेशन में हमला हुआ था और पुलिस वाले मारे गए थे, ईरान ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया था, जो जैश अल असद नाम का ये आतंकी संगठन है पाकिस्तान में, ये फल फूल रहा है, ये ईरान का आरोप है। ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान में ही इसने बेस बनाया हुआ है और पाकिस्तान से ये ईरान पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान अपना जो बॉर्डर का हिस्सा ईरान के साथ भी शेयर करता है, तो ऐसे में वहाँ पर उनके नागरिक मारे जा रहे हैं, उनके पुलिस वालों को नुकसान हो रहा है, ये ईरान हमेशा से कहता आया है। अब पाकिस्तान ये कहता है कि जो वहाँ पर बलूच लिबरेशन आर्मी फ्रंट उनकी सरकार के खिलाफ विद्रोह करती है, पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करती है, वो उस आतंकी संगठन को शह ईरान देता है। बस टकराव इसी बात को लेकर के है, बलूच लोगों के आज़ादी को लेकर के, उनकी मांग को लेकर के, और ऐसे में अब ये दोनों देश एक दूसरे पर टकरा रहे हैं, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, टेंशन अब ज़्यादा बढ़ चुकी है।